नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुरवा सरे से, जहां खेत में रखवाली करने वाले किसानों द्वारा तीन शावकों के साथ एक बाघिन को घूमते देखे जाने की खबर सामने आ रही है। मामला बगहा पुलिस जिले के नदी थाना क्षेत्र की है, जहां चंदरपुर रतवल पंचायत के कुछ किसानों द्वारा रायपुरवा की सरेह में पिछले कई दिनों से एक बाघिन को देखा जा रहा है, जिससे सरेह में काम करने वाले किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वही तीन शावकों के साथ बाघिन की घूमने की घटना को कुछ किसानों द्वारा मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो किसान सरेह में जाकर रात्रि के समय अपने खेतों की रखवाली करते थे, वह बाघिन के विचरण की खबर सुनकर दहशत के कारण अब अपने खेतों में नहीं जा रहे हैं। हालांकि चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि दियरा क्षेत्र में बहुत ऐसे किसान हैं जो गेहूं के साथ दलहन की खेती किए हैं, जिन्हें नीलगाय से काफी नुकसान होता है। अपने फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किसान रोजाना रात्रि में अपने खेतों की रखवाली करने जाते हैं, किंतु बाघिन की खबर से काफी दहशत में है। वही इस मामले में चंदरपुर रतौल पंचायत के मुखिया नितेश राव ने बताया कि गांव के कुछ किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से बाघिन को देखे जाने की सूचना मिल रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए नदी थाना प्रभारी को इस पूरे घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जा रही है। वही इस विषय पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर हेमकांत राय ने मीडिया से दूरभाष पर बताया कि बाघिन देखे जाने की सूचना के आलोक में नजदीकी वन कर्मी से जांच कराई जाएगी। अगर बाघिन देखे जाने की पुष्टि होती है तो फौरन आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब शावक कितना है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा हमसे बताया गया है कि हम लोग सरसों के खेत में या और जो फसल है उस खेत में सोते हैं, तो गेहूं के खेत में, तो उन लोग को डर लगता है कि ऐसा नहीं हम लोग अपने खेत के रखवाली, फसल के रखवाली के लिए हैं और रात में बाघ आए और हम लोग से साथ दिक्कत हो जाए। और ये मामला तीन चार ग्रामीणों ने हमको बताया कि इसको थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए वन विभाग को बताया जाए। कुछ लोग ट्रैक्टर से गन्ना लाद के आ रहे थे, उन लोगों ने भी बताया कि हम लोग भैया देखे हैं बाघ को, और दो तीन बच्चा भी था, दो था या तीन था, ये मतलब क्लियर वो लोग नहीं कर पाया। लेकिन वीडियो में तीन दिखाया जा रहा है, तीन तो वीडियो जो दिखाया जा रहा होगा कहीं सही हो, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इस चीज़ को जरूर बताया जा रहा है कि बाघिन अपने बच्चे के साथ इधर भ्रमण कर रही है रायपुरवा सरे के तरफ। तीन चार पाँच किसान भी बोले कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। तो मेरा यही वन विभाग से अनुरोध है कि उसको थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए और ग्रामीण जो भी किसान है थोड़ा दहशत में है उनके ऊपर ध्यान देते हुए इसको जहाँ भी उचित हो उस जगह पे अपने वन प्राणी को अपने स्थान पे ले जाने का कोशिश करें। वन विभाग को सूचना दिया गया है आपके तरफ से? अभी नहीं, हम लोग के तरफ से सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे पूरा ग्रामीण बैठ के इस चीज़ पे किसको संज्ञान में दें, लेकिन अब आप लोग खुद हैं तो आप लोग के चैनल के माध्यम से जाएगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा कि सब किसी के नज़र में, सब जितना भी पदाधिकारी लोग हैं सबके नज़र में चला जाएगा कि बाघ जो है उसको सही जगह पे अपने सही ठिकाने पे बच्चों के साथ सुरक्षित पहुंचाया जाए। अभी माहौल कैसा है क्षेत्र में, लोग जो जा रहे हैं? अभी माहौल तो ग्रामीणों में थोड़ा सा दहशत है कि कहीं बाघ से हम लोग को दिख गया तो कहीं अटैक कर दे, कुछ कर दे, तो ये तो मामला थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा विभाग को, नहीं तो बाद में विभाग अगर गंभीरता से ले के क्या करेगी जब कुछ हो जाए तो। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नितेश राव हुआ, मैं चंदरपुर रतौल पंचायत के मुखिया हूँ और प्रखंड बगहा एक।